साथ साथ लोगों के अपने कोलीग से सीखेंगे। हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते समय इसका बहुत ध्यान रखा, बहुत मंथन किया। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने बिल्डिंग बना दी और इस पर कुछ दिमाग नहीं लगा। हम चाहते थे कि स्टूडेंट ब्लॉक जो है अलग रहे, हॉस्टल ब्लॉक अलग रहे, सभी स्टूडेंट ब्लॉक एक साथ कनेक्टेड रहे। और साथ ही साथ मैं कभी कभी देखता था कि मैं यहां से गुजरता था तो देखता था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एल एन मिश्रा के सड़क पे घूमते थे। मैं काफी का पूछता था कि ये सड़क पे, चाय पे, ढाबे पे क्यों नजर आ रहे हैं। तो ये जानकारी प्राप्त की कैंटीन ही नहीं है तो क्या करेंगे, तो बाहर ढाबे पे घूमेंगे, इसी घुमचा वाले के पास घूमेंगे। तो हम लोगों ने इस पर बहुत ध्यान दिया। मैंने कहा कि नहीं, यहां कैंटीन होना चाहिए और ऑफ टाइम में चर्चाएं कैंटीन में होनी चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने, उपेंद्र जी थे, मैंने कहा कि बहुत अच्छा कैंटीन बनाइए, कॉमन रूम बनाइए और सारी फैसिलिटी, जो स्टूडेंट ये कॉमन रूम और कैंटीन आपके एडवाइस और आपके सुझाव पे चलेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग आप पे थोप देंगे, ऐसा मेनू भी आपके एडवाइस पे चलेंगे। कॉमन रूम में क्या रखना है, क्या होना है, यह भी आपके एडवाइस पे चलेंगे। तो ये बहुत अहम हिस्सा है, केवल क्लासरूम इसका हिस्सा नहीं है लेकिन बहुत अहम हिस्सा है। हम लोगों ने जो मेन बिल्डिंग है